एक आप बता मुझे पहले, और कहाँ करेगी तू? अभी पता चल जाएगा। शोक की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बिंदिया है वो ये डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे कृष के साथ अब कोई मतलब नहीं रखना है, मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। सैम उसका पार्टनर है लेकिन ऑफिशियल प्रोफेशनल पार्टनर है, पर्सनल उसका उसके साथ कुछ भी ऐसा खास नहीं है। शांति का हार उन्होंने एक्सेप्ट भी इसीलिए किया था ताकि उनका मान सम्मान बना रहे, और यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो सैम को पसंद करती है या फिर सैम से शादी करेगी। और यही बात शांति के सामने क्लियर भी कर देती है बिंदिया, जहां पर शांति को बहुत दुख होता है। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर सैम और बिंदिया आपस में एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं जिसके लोगों की लॉन्च पार्टी है। इससे पहले इन दोनों ने भी काफी वाहवाही लूटी है इस प्रोजेक्ट के चलते, और अब जो पार्टी है मीडिया वालों ने इन्हें घेर लिया है। काफी सवाल किए गए जिसमें से एक सवाल ये किया गया कि बाकी सब ने तो थोड़े ग्लैमरस और कॉकटेल लुक वाले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आप दोनों ने एक इंडियन वियर क्यों किया है? तो यहाँ पर बिंदिया बताती है अपनी इंडिया की जो एक खासियत है वो बताती है, और उसके कल्चर के बारे में बताती है, और कहती है हमारा प्रोजेक्ट भी इसी से रिलेटेड है, इंस्पायर्ड है हमारे इंडिया से ही, तो इसलिए हमने ये लुक रखा है। अब ऐसे में जो है आने वाले एपिसोड में क्रिश भी बिंदिया को प्रपोज करता हुआ दिखाई देगा, वो भी बिंदिया की सादगी को देखकर। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।